तो गाइस सर, अभी मैं बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ माइकल के घर पे पार्टी करने के लिए। आज माइकल के घर पर पार्टी है, न्यू ईयर और क्रिसमस दोनों की पार्टी आज हम करने वाले माइकल के घर पे, इसलिए हम यहाँ पर आ चुके हैं। और आप देख सकते हो माइकल ने कितना ज्यादा अच्छा यहाँ पे डेकोरेशन किया, इतना बड़ा क्रिसमस ट्री और यहाँ पे छोटे छोटे क्रिसमस ट्री भी। और भैया क्या गाना बजा रहे हो। तो गाइस सर, आप देख सकते हो मैं भी अपनी यार कार को डेकोरेट करके यहाँ पर आ चुका था और मैंने रेड कलर का स्वेटर भी यहाँ पर पहन लिया है। चलो फटाफट से चलते हैं माइकल के घर पर पार्टी करते हैं। अरे अरे रुक जाओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है फ्रैंकलिन। आपका नाम पार्टी लिस्ट पर नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे क्या बोल रहे हो, माइकल मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, मुझे अंदर जाने दो। नहीं सर, आपका नाम पार्टी लिस्ट में नहीं है, आप नहीं जा सकते। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा नाम पार्टी लिस्ट में कैसे नहीं है, माइकल ने मुझे खुद बुलाया है। हाँ, पार्टी माने के लिए सब लोग ऐसा बोलते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते गरीब लोग माइकल सर से मिलने। अरे मैं माइकल सर से मिलने नहीं आया हूँ, मुझे माइकल ने अपनी पार्टी में बुलाया, मुझे अंदर जाने दो। सर आप मानते हैं कि मारू मुंह पे मिसाइल। अरे जा रहा हूँ। अरे गाइस सर ये क्या हो गया, मेरा नाम पार्टी लिस्ट में कैसे नहीं है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। रुक जाओ, मुझे माइकल को फोन करके बाहर बुलाना चाहिए, मेरा नाम कैसे नहीं है पार्टी लिस्ट में। हेलो माइकल, अरे तेरे घर के बाहर में खड़ा हूँ, जल्दी बाहर आ। अरे माइकल आ गया। अरे माइकल तेरे सिक्योरिटी गार्ड्स को बोलिए मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। तो तुझे क्यों अंदर आने देंगे, तेरा नाम पार्टी की लिस्ट में नहीं है। क्या मेरा नाम नहीं है? अबे तूने तो मुझे पार्टी में बुलाया है। हाँ बुलाया था, पर अब मेरा मन नहीं है, तुम पार्टी में नहीं आ सकते, निकल जाओ यहाँ से। अबे ऐसा क्यों कर रहा है माइकल, तूने तो मुझे बुलाया था, मुझे पार्टी में आने दे। सिक्योरिटी गार्ड्स, इसको अंदर मत घुसने देना। ओके सर, आप टेंशन मत लीजिए, हम इसको अंदर नहीं घुसने देंगे। ए लड़के निकल जाओ यहाँ से, वरना उड़ा दूंगा। अबे फ्रैंकलिन, मैंने सारे गरीबों को लिस्ट से हटा दिया है, कोई भी गरीब मेरे घर की पार्टी में नहीं आ सकता, निकल जाओ यहाँ से। माइकल के बच्चे, तूने मेरे साथ धोखा किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस माइकल के बच्चे की ऐसी की तैसी, ये मुझे गरीब बोल रहा है और इसने मेरा नाम भी लिस्ट से निकाल दिया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आप देखे ना, एक दिन इससे बदला जरूर लूंगा। अरे मैं इससे बदला तो ले लूंगा, पर मेरी पार्टी तो खराब हो गई ना यार, मैंने सोचा आज आप पार्टी में जाएंगे, बहुत सारा खाना खाएंगे, पर इसने तो पूरी की पूरी पार्टी मेरी खराब कर दी है। पर मैं ऐसे हार नहीं मानने वाला, मैं इसकी पार्टी में कैसे भी करके जाके रहूंगा, चाहे फिर मुझे कुछ भी करना पड़े। रुक जाओ, मेरे पास एक आइडिया है, मैं आज माइकल की पार्टी में कैसे भी करके जाने वाला हूँ, पर मैं फ्रैंकलिन बन के जाऊंगा तो मुझे उसके सिक्योरिटी गार्ड्स पहचान लेंगे, इसलिए मेरे पास एक आइडिया है। 3, 2, 1, हो हो हो, फ्रैंकलिन सेंटा क्लॉस आ चुका है। तो गाइस सर, अभी मैं सेंटा क्लॉस बन के जाने वाला हूँ माइकल की पार्टी में, और मुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा क्योंकि मैंने पूरी सेंटा क्लॉस की दाढ़ी वाड़ी भी लगा ली है, कोई मुझे नहीं पहचान पाएगा। और मैं जाने वाला हूँ सीधा माइकल की पार्टी में, तो मेरा आगे वाले गेट से तो जा नहीं सकता, वो सिक्योरिटी गार्ड मुझे कहीं पहचान न ले, इसलिए मैं इधर से जाने वाला हूँ। फटाफट से ऊपर चढ़ते हैं यहाँ से, और अभी हम ऊपर यहाँ पर आ चुके और सीधा बात रूम से जाएंगे अंदर, और हम आ चुके हैं माइकल के घर के अंदर और यहाँ पर मस्ती पार्टी चल रही है। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। हो 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 बच्चों, सेंटा क्लॉस आ चुका है। अरे सेंटा, मेरा गिफ्ट कहाँ पे? आपको गिफ्ट चाहिए? आइए आपको गिफ्ट देता हूँ, इधर आओ। सेंटा ये बालकनी में कौन सा गिफ्ट मिलेगा? सेंटा मेरा गिफ्ट तो। हो, तुम्हें मिलने वाला है गिफ्ट, निकलो यहाँ से। उसको नीचे मार दिया। तो गाइस सर, अभी आंटी को हमने यहाँ पर गिफ्ट दे दिया, फटाफट से वापस पार्टी में अपन चलते हैं। हो, सेंटा आ चुका है। तो गाइस सर, आप देख सकते हैं कितने सारे लोग आए हुए और यहाँ पर तो बढ़िया पार्टी चल रही है। ये क्या, यहाँ पर तो स्नोमैन भी है, सभी के सभी लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं और टीवी में कुछ तो यहाँ पर देख रहे हैं। खाने पीने का कहाँ पर है, क्योंकि मेन काम तो अपना वही है, बाकी सब चीजें कुछ चाहिए नहीं। यहाँ पे बहुत सारे एप्पल पड़े, थोड़े एप्पल खा लिए जाए। अरे वाह, आज की पार्टी तो मैंने बहुत ही अच्छी कर दी, बहुत ही ज्यादा प्यास लग रही है, कुछ पी लिया जाए। मजा आ गया। एक सेकंड, ये सेंटा क्लॉस यहाँ पर कैसे आ गया? ओ सेंटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हो बच्चे, मैं हूँ सेंटा, कैसे हो तुम? मैंने तो किसी सेंटा को यहाँ पर नहीं बुलाया था, तुम कहाँ से आ गए? हो बच्चे, सेंटा क्लॉस किसी के बुलाने पर नहीं आते, वो खुद आ जाते हैं। अब कुछ खाने वाने को दो सेंटा क्लॉस को बहुत भूख लगी है। अच्छा सेंटा, तुम्हें भूख लगी है, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। इसकी आवाज मुझे जानी पहचानी लग रही है, अभी सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड्स,
जल्दी अंदर आओ, कोई सेंटा बन के हमारे घर में घुस चुका है, जल्दी आओ। हो बच्चे, मेरा खाना कहाँ पर है? सेंटा, आपका खाना आ रहा है। सेंटा, आपके पीछे देखिए, खाना आ गया। क्या, खाना आ गया? और सेंटा, कैसी लगी पार्टी? बहुत अच्छी पार्टी है। जल्दी जल्दी अपना असली चेहरा बताओ, वरना बहुत मारेंगे। बता रहा हूँ। हाय माइकल। ये क्या, ये फ्रैंकलिन का बच्चा मेरे घर में घुस गया। सिक्योरिटी, इसको बाहर फेंको, और इतना मारना है ये चल भी ना पाए ढंग से। ओके बॉस, निकल जाए इस घर से फ्रैंकलिन। माइकल सर की पार्टी में तू नहीं आ सकता। अरे हाँ, जा रहा हूँ, मुझे ऐसी पार्टी में आना भी नहीं है। अबे तेरी तो ये ले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, निकल जाए यहाँ से, हमारी पार्टी में बिना पूछा आएगा। ये ले। अरे मुझे छोड़ दो, इतना क्यों मार रहे हो मुझे, नहीं आऊंगा पार्टी में। आ जाते गरीब लोग उठ उठ के। अरे इतना कोई मारता है क्या? और उनकी पूरी हड्डियां तोड़ दी मेरी। इतना कोई मारता है कि सिर्फ पार्टी में ही तो आ रहा था मैं। ये माइकल ने मुझे खुद ही बुलाया था पार्टी में, फिर खुद ही इतना बुरा पिटवा दिया। मैंने सोचा था सेंटा क्लॉस वाला प्लान बहुत ही अच्छा होगा, पर मैं बहुत ही बुरी तरह पिट चुका हूँ। अब मैं जाने वाला हूँ सीधा घर पे। मैंने सोचा था माइकल से बदला लूंगा, पर अभी फिलहाल तो मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है, मैं किसी से बदला नहीं ले सकता। चलो यार फटाफट से घर पे चलते, लगता है एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। एक सेकंड, ये यहाँ पर इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? अरे ये सब लोग तो टीवी देख रहे हैं, ऐसा क्या आ रहा है टीवी में? चलो देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। अरे भाई साहब, यहाँ पर क्या चल रहा है? अबे काले खुद देख लेना। अबे खुद इतना काला हो के मुझे काला बोल रहे हैं? चलो खुद ही देख लेते क्या चल रहा है टीवी में। ब्रेकिंग न्यूज, लॉस सैंटोस में होने वाला एक खतरनाक सा चैलेंज। लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट ये चैलेंज करा रहे हैं, और जो भी ये चैलेंज जीतेगा वो बन सकता है लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट। और अगर आप लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट बनते हैं तो आपको मिलेगा एक खतरनाक सा प्रेसिडेंट हाउस, और साथ में बैंक में $1 बिलियन। जो चाहिए गाड़ी मिलेगी, जो चाहिए प्लेन मिलेगा, पूरी दुनिया में जो चाहिए सब मिलेगा। बस आपको ये चैलेंज जीतना पड़ेगा। तो अगर आप इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जल्दी से इस एड्रेस पर आ जाइए, चैलेंज थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। अरे भाई साहब, हमें इस चैलेंज में जाना चाहिए, अगर हम जीत गए तो हम प्रेसिडेंट बन जाएंगे। मेरी बात सुनो, तुम में से कोई भी इस चैलेंज में नहीं जाएगा, इस चैलेंज में मैं सिर्फ अकेला जाऊंगा। अबे काले अपनी हालत तो देख, क्या हो रखी है? मेरी हालत खराब है तो क्या हुआ, मैं इस चैलेंज में जाके रहूंगा। नहीं नहीं, मैं भी जाऊंगा इस चैलेंज में। अच्छा बच्चू, तुझे भी इस चैलेंज में जाना है, ये ले। और किसी को चैलेंज में जाना है क्या? नहीं भाई साहब, हमें तो नहीं जाना। बहुत बढ़िया, इस चैलेंज में सिर्फ मैं जाऊंगा और कोई नहीं। तो कैसर, अभी मुझे पता चला है लॉस सैंटोस में खतरनाक सा चैलेंज हो रहा है, और वो चैलेंज प्रेसिडेंट करा रहे हैं। अगर वो चैलेंज हम जीतते हैं तो हम लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। और कैसर, अगर मैं लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट बन गया ना, सबसे पहले माइकल को इस लॉस सैंटोस से बाहर फेंकवाऊंगा, और इसका घर भी पूरा का पूरा तोड़वा दूंगा। मैंने सोच लिया है, मैं अपना बदला इसी चैलेंज से लेने वाला हूं, और फटाफट से चलते हैं उस चैलेंज में पार्टिसिपेट करते। सारे के सारे लॉस सैंटोस वासियों, तुम्हारा स्वागत है प्रेसिडेंट के रैम चैलेंज में। मैं हूँ लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट, और मैं किसी और जने को प्रेसिडेंट बनाना चाहता हूँ। उसके लिए तुम्हें 2 चैलेंज कंप्लीट करने होंगे, और हमारे सारे कंटेस्टेंट भी आ चुके हैं, स्पाइडरमैन, फ्रैंकलिन, माइकल और चिंटू। अबे माइकल के बच्चे, तू कहाँ से आ गया? तेरी तो पार्टी चल रही थी ना, जा अपनी पार्टी में। अबे फ्रैंकलिन, मेरी मर्जी में कुछ भी करूँ, चल हट साइड में। शांति बनाए रखे। चलो तुम सबको अपना पहला चैलेंज बताता हूँ। तो प्रेसिडेंट के चैलेंज में क्वालिफाई होने के लिए तुम्हें सबसे पहले ये वाला चैलेंज करना पड़ेगा। तुम चारों को इस लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी बिल्डिंग से जंप करना है, और जो भी यहाँ से जंप करके जाएगा सीधा इस स्विमिंग पूल में, वो जाने वाला है अगले चैलेंज पर। और जो स्विमिंग पूल के आजू बाजू गया, उसको मेरा सिक्योरिटी गार्ड गोली मार देगा। क्या तुम सब तैयार हो? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले चिंटू, मुझे बहुत डर लगता है हाइट से, ये स्विमिंग पूल तो बहुत नीचे है, पर कोई बात नहीं, मुझे लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट बनना है। मुझे बचाओ। और काइजर, ये चिंटू जाने वाला नहीं जा पाया, और ये यहाँ पर गिर चुका है। चिंटू होता है डिस्क्वालीफाई, मार दो उसको। तो चिंटू तो मर चुका है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो उस स्विमिंग
स्विमिंग पूल में लैंड कर लेना। अब स्पाइडरमैन की बारी। अरे आप टेंशन मत लो, मैं तो स्पाइडरमैन हूँ, मैं तो कोई से भी स्विमिंग पूल में जा सकता हूँ। ये स्विमिंग पूल आ रहा हूँ मैं। और कैसे, ये स्पाइडरमैन बिल्कुल सही जा रहा है और ये थोड़ा गलत चला गया और ये भी यहाँ पर गिर चुका है। मुझे मरना नहीं है, भागो। बॉडीगार्ड, स्पाइडरमैन को भी खत्म कर दो। मुझे बचाओ। अब सिर्फ तुम दोनों बचे हो। अगर तुमने दोनों में से किसी सिर्फ एक ने किया तो वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, अगर दोनों ने किया तो अगले चैलेंज पर जाएंगे। तो काइजर, अभी मेरी बारी आ चुकी है और अगर मैं उस स्विमिंग पूल में लैंड कर लूं और माइकल नहीं कर पाए तो मैं लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। तो चलो फटाफट से कूदते चलते स्विमिंग पूल में, मजे मजा। अरे ये तो बहुत ही खतरनाक डाइव मैंने मार दिए, क्या हम जा पाएंगे स्विमिंग? और ये मुझे बचाओ। और ये क्या, मैं तो स्विमिंग पूल के अंदर आ गया। तो गाइस, मैंने ये चैलेंज कंप्लीट कर दिया है और मैं स्विमिंग पूल के अंदर आ चुका हूँ। अब बस माइकल इधर उधर कहीं पे गिर जाए तो अगला चैलेंज होएगा भी नहीं और मैं सीधा प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। माइकल अब तुम्हारी बारी, फ्रैंकलिन ने ये ऑलरेडी कर दिया है। अगर तुम स्विमिंग पूल में नहीं पहुंच पाए तो तुम मारे जाओगे और फ्रैंकलिन बन जाएगा प्रेसिडेंट। अरे ये क्या, ये फ्रैंकलिन का बच्चा स्विमिंग पूल में कैसे पहुंच गया? अब मुझे भी पहुंचना पड़ेगा। स्विमिंग पूल आ रहा हूं मैं, मुझे बचाओ। अरे वाह, मैं भी जीत गया, फ्रैंकलिन के बच्चे। अरे ये क्या, माइकल ने भी ये चैलेंज कंप्लीट कर दिया। बहुत बढ़िया बच्चों, तुम दोनों ने ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। तुम दोनों जाने वाले हो अगले यानी प्रेसिडेंट बनने वाले चैलेंज में। उसमें जो भी जीतेगा वो बनेगा लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट। तुम दोनों का स्वागत है आखिरी चैलेंज में। ये चैलेंज होने वाला है बहुत खतरनाक। तुम दोनों में से जो भी इस चैलेंज में जीतेगा वो बनने वाला है लॉस सैंटोस का अगला प्रेसिडेंट। माइकल के बच्चे, प्रेसिडेंट तो मैं ही बनूंगा। मैं प्रेसिडेंट बनके सारे काले लोगों को लॉस सैंटोस से भगा दूंगा और मैं तेरे जैसे बूढ़े लोगों को लॉस सैंटोस से भगा दूंगा। बस लड़ो मत, अब मैं बताता हूँ तुमको इस चैलेंज में करना क्या है। तुम्हारे पास बहुत सारी गाड़ियां है, इन गाड़ी में से तुम कोई सी भी गाड़ियां चूज कर सकते हो। चलते हैं स्टार्टिंग लाइन पर। इस सारे के सारे ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करते करते तुम्हें जाना है आग में और ये आग है बहुत ही खतरनाक। और यहाँ पे रिंगा रिंगा रोजेस खेलते हुए जाना है इस पहाड़ पे, फिर से नीचे आना है, फिर इधर गोल गोल रानी करके तुमको जाना है ऊपर। और यहाँ सारे के सारे ऑब्स्टेकल क्रॉस करते करते इस रैंप से अपनी गाड़ी को खुदा के जो भी पहुंचेगा फिनिशिंग लाइन पर वो बनने वाला है लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट। याद रखना ये चैलेंज बहुत ही हार्ड है, पर अगर तुम प्रेसिडेंट बन गए तो तुम कुछ भी कर सकते हो। चलो चैलेंज को शुरू करते हैं। हट जाओ, सबसे पहले मैं जाऊंगा और इस चैलेंज को कंप्लीट करके लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। रुक जाओ, मैं इस वाली गाड़ी में नहीं जाऊंगा, मैं इस वाली गाड़ी में जाऊंगा। तो कैसर, अभी सबसे पहले ये माइकल का बच्चा जाने वाला, आपको तो याद होगा इसने कैसे हमें अपने घर से बाहर भगाया था, तो हमें वही याद रखना है। और इस माइकल के बच्चे को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, बहुत ही बुरी तरह मैं इसको हराने वाला हूँ। और इसने अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में कूदा लिया है। फ्रैंकलिन काले लड़के, ये चैलेंज तो मैं ही जीतने वाला हूँ। उसके बाद मैं लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट बनके सारे काले लड़कों को लॉस सैंटोस से भगा दूंगा। अरे मेरे को भगाने में क्यों तुला है? और कैसा, अभी आप देख सकते अपना माइकल अभी बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुका है। देखते हैं ये कहां तक पहुंचने वाला है। कहां तक क्या, मैं तो उसको पूरा फिनिशिंग करूंगा, फिनिशिंग लाइन तक मैं पहुंचूंगा। हां, देखते सपने बहुत देखता है ये माइकल, मुझे लगता है ये बहुत ही जल्दी गिरने वाला है। तो गाइस आप फिर फटाफट से कमेंट करके बताओ आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, फ्रैंकलिन को या फिर माइकल को। जल्दी जल्दी कमेंट में लिख देना, जिसको भी सपोर्ट कर रहे हो उसका नाम आपको लिखना है। अगर फ्रैंकलिन तो फ्रैंकलिन, वरना माइकल भी आप लिख सकते हो। वैसे सब फ्रैंकलिन निकला, माइकल को जो भी सपोर्ट करेगा उसको बहुत ही बड़ा पाप पड़ने वाला है। तो जल्दी जल्दी फ्रैंकलिन लिख दो। एक बार मैं ये जीत जाऊं फिर मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, फिर तुम्हें मैं बहुत ही पाप दूंगा लॉस सैंटोस से बाहर भगा के। एक तो ये मुझे लॉस सैंटोस से बाहर भगाना चाहते हैं। एक बार अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया ना तो मैं इसके घर फुड़वा दूंगा, मेरे को कोई रोक नहीं पाएगा उसके बाद। मुझे
मुझे कोई नहीं गिरा सकता। ये देखो मैं अपनी गाड़ी को उल्टी चलाने वाला हूँ, फिर भी मैं इस चैलेंज को जीत जाऊंगा। अरे कैसा, ये तो मेरी बेइज्जती कर रहा है। अब तो ये गाड़ी यहाँ पर उल्टी चलाने लग गया है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी ड्राइवर लगता है। फ्रैंकलिन तुम देखना मैं जीतूंगा। अरे ये क्या हो गया? और काइजर ये क्या, माइकल ने अपनी गाड़ी को फिसला दिया है और ये जाने वाला है पानी में और माइकल होता है डिस्क्वालीफाई। फ्रैंकलिन माइकल ने आधे से ज्यादा चैलेंज कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद वो गिर गया। अगर तुम्हें प्रेसिडेंट बनना है तो तुम्हें इस पूरे चैलेंज को कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर तुम माइकल से पहले गिर गए तो मैं माइकल को लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट बना दूंगा। प्रेसिडेंट सर आप टेंशन मत लो, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि मैं ये चैलेंज पूरा का पूरा कंप्लीट करके रहूंगा। क्योंकि सभी ने वीडियो को लाइक कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और कमेंट में लिख भी दिया है गुड लक फ्रैंकलिन। तो कैसे कर तो दिया है ना, अगर आप ये नहीं करोगे तो मैं कभी भी हार सकता हूँ, इसलिए फटाफट से लिख देना। और यहाँ से सीधे सीधे रास्ते से अपन आ चुके हैं, चलो फटाफट से चलते हैं और इस पूरे चैलेंज को कंप्लीट करके दिखाते हैं। मेरे को ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे माइकल अटका था ना, मैं साइड में से निकल जाऊंगा आराम से, यहाँ से निकल जाते कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिमाग लगा के खेलना है। माइकल में तो दिमाग नहीं था इसलिए वो बीच बीच में से जा रहा था, पर मैं पूरा का पूरा चैलेंज कंप्लीट करूंगा बिल्कुल दिमाग लगे। ये सारे के सारे बर्गरों को यहाँ पे हटाते, ये बर्गर कौन रखता है यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आता। चलो फटाफट से चलते हैं अपनी गाड़ी को लेके। तो गाइस सर ये आखिरी मौका है गुड लक फ्रैंकलिन लिखने का, अगर आप अभी लिख दोगे तो मैं ये चैलेंज जीतने के मेरे चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, वरना मैं इस चैलेंज को हार सकता हूँ और मैं ये चैलेंज बिल्कुल नहीं हारना चाहता। सोचो अगर मैं लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट बन गया तो मैं क्या क्या नहीं कर सकता, मैं सब कुछ कर पाऊंगा। बस आपको कमेंट में लिखना है गुड लक फ्रैंकलिन। मैं एक बार लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट बन जाऊं तो आप सभी को लॉस सैंटोस में एक एक घर भी दिलवा दूंगा। तो फटाफट से इसलिए कमेंट कर दो और फटाफट से चलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमने यहाँ पे लैंड कर लिया है अपनी गाड़ी से आराम से। चलो फटाफट से बड़े से पहाड़ के ऊपर चलते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी, ऐसा इसमें कुछ है नहीं। जल्दी जल्दी जाएंगे और इसको क्रॉस करेंगे, जहाँ पे माइकल गिरा था ना हमें वहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। चलो फुल स्पीड मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कैसे भी करके रहूंगा। तो गाइस अगर मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं तो मैं क्या क्या चीजें खरीदूं और क्या क्या चीजें लूं, फटाफट से कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरे पास $1 बिलियन आने वाले हैं और $1 बिलियन मतलब मैं बहुत सारी चीजें खरीद सकता हूं। तो इसलिए जल्दी जल्दी कमेंट कर देना कि मैं क्या क्या चीजें खरीदूं, और मुझे प्रेसिडेंट का खुद का पर्सनल हाउस भी मिलने वाला है। और यार प्रेसिडेंट तो घूमते ही लिमोजीन में, तो हम लिमोजीन में भी घूमेंगे। और माइकल यहाँ पे उल्टी गाड़ी चला था ना, अब देखो मैं उल्टी गाड़ी चलाऊंगा, ये बहुत ही ईजी है उल्टी गाड़ी चलाना। अपन बस इस चैलेंज को कम्प्लीट करने पे ध्यान देते हैं। उल्टी गाड़ी तो हम बाद में चला लेंगे जब प्रेसिडेंट बन जाएंगे ना, बहुत ही बड़ी वाली लिमोजीन उल्टी करके चलाऊंगा, बहुत मजा आएगा। चलो यार फटाफट से अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, अपना माइकल यार यहीं पर गिरा था तो हमें यहाँ पर गिरना नहीं है, बिल्कुल ढंग से गाड़ी चला के जानी है। अरे भाई साहब ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, इसलिए माइकल यहाँ पे गिर गया था। पर कोई बात नहीं, हम यहाँ पे गिरने नहीं वाले, और यहाँ पर इतने सारे ये लकड़ियां ये घूम रही है, अब यहाँ पर कैसे जाऊंगा मैं। मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ, बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया। और मेरे को लगा था मैं सीधा नीचे जाऊंगा, पर यहाँ पर अभी अपन बच चुके हैं। और ये लकड़ी किसने लगा दी, और यहाँ पर ये खतरनाक बॉलिंग पिन जा रही है। चलो फटाफट से निकल लेते हैं। और गाइस सर अब आ चुका है सबसे मुश्किल पार्ट, चलो फटाफट से इसके ऊपर अपन चलेंगे। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मैं तो उल्टा घूमने लग गया, मुझे बचाओ मैं कहाँ घूम रहा हूँ, और मैं तो वापस इस साइड पे आ गया। अरे उस साइड कैसे जाऊँ, चलो आ गया बच गया। तो गाइस सर अभी हम यहाँ पर बच चुके हैं और फिनिशिंग लाइन से मैं बहुत ही ज्यादा पास आ चुकी है। तो गाइस सर माइकल से तो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा आगे आ चुके, पर हमें इस पूरे चैलेंज को कंप्लीट करना है। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पर, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। चलो फटाफट से निकल लेते हैं और फटाफट से इसको पूरा का पूरा, अभी हमने इसको यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। और अब है सबसे हार्ड पार्ट, यहाँ से हमको अपनी गाड़ी को टेढ़ा करके चला के जाना है। तो चलो फटाफट से चलते हैं, और ये हमारी गाड़ी टेढ़ी टेढ़ी चल रही है। चल 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 मेरी गाड़ी टिक टिक टिक, चल मेरी गाड़ी टिक टिक टिक, मुझे बहुत ही खतरनाक लग रहा है, मैं आ गया। तो गाइस सर हमने अपनी गाड़ी को टेढ़ा मेढ़ा करके चला लिया और हमारी गाड़ी पूरी टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है, पर कोई बात नहीं हमने यहाँ पे बैलेंस बना लिया है। सामने मुझे फिनिशिंग लाइन दिखना चालू हो चुकी है, चलो फटाफट से चलते हैं, चैलेंज को खत्म करते हैं। क्या मार दिया, अरे मुझे नीचे नहीं जाना, आराम से चलते हैं। और गाइस सर हम पहुंचने वाले हैं फिनिशिंग लाइन पर, चलो यार फटाफट से हमें यहाँ पर जाना है। और यहाँ पर, और ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है,
ये क्या हो रहा है? मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी। अभी मैं यहाँ से नीचे गिर सकता तो ये तो सही में बहुत ही ज्यादा हार्ड है। तो लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट बनना सही में बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। और अभी हम यहाँ पर आ चुके अपनी गाड़ी को खुदाते सीधा फिनिशिंग लाइन पर, हमने लैंड कर लिया है। और गाइस हमने ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया और हम बन चुके हैं लॉस सैंटोस के नए प्रेसिडेंट। बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, तुमने ये चैलेंज कंप्लीट कर दिया और तुम बन चुके हो लॉस सैंटोस के नए प्रेसिडेंट। थैंक यू अंकल। तो गाइस फाइनली हम लॉस सैंटोस के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं और अब हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस वाले प्रेसिडेंट को मार देते हैं। ये ले। अरे मुझे क्यों मार दिया? अरे अंकल अब आपका क्या काम है, क्योंकि मैं नया प्रेसिडेंट बन चुका हूँ। तो गाइस हम लॉस सैंटोस के नए प्रेसिडेंट बन गए, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं जाने वाला हूँ प्रेसिडेंट हाउस में, क्योंकि सबसे महंगी और सबसे बड़ी चीज तो वही है। चलो। तो गाइस मैंने बोला था ना, प्रेसिडेंट बनते सबसे पहले हमें लिमोजीन मिलेगी। तो अभी हम लिमोजीन में आ चुके हैं और हम जा रहे हैं अपने नए घर पे, प्रेसिडेंट मेंशन। फटाफट अपने लिमोजीन को यहाँ पर उड़ाते हैं और अभी हम आ चुके अपने नए घर पर। तो ये हमारा नया प्रेसिडेंट यानी मैं, और ये है हमारा प्रेसिडेंट का घर। तो ये घर सही में बहुत ही ज्यादा बड़ा और बहुत ही ज्यादा आलीशान है। आप देख सकते हैं मीटिंग रूम है, बैठ के मीटिंग कर सकते हैं मिनिस्टर के साथ, पर हमें कोई मीटिंग नहीं करनी। मैं तो ऐसे मजे करने के लिए प्रेसिडेंट बना हूं। यहाँ पे बढ़िया से किचन है, कुछ खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है, प्रेसिडेंट बनने के बाद हमें क्या क्या मिलता है। यहाँ पर एक और बड़ा सा रूम, यहाँ पर भी मीटिंग कर सकते हैं, पर वही बात है मीटिंग किसको करनी है। यहाँ बैठ के आराम से टीवी देखेंगे। और यहाँ से किसी ने बाहर जाने का रास्ता छोड़ दिया, लगता है यहाँ से बाहर आराम से निकल सकते हैं, पर अभी हमें यहाँ पे बाहर जाना नहीं है। और देखते हैं हमारे घर में क्या क्या है। एक नीचे फ्लोर भी दिखाई दे रहा है, चलो फटाफट से चलते हैं। तो गाइस अभी हम आने वाले नीचे, देखते हैं हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक और लिविंग रूम बना रखा है। यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे देखो कितनी खतरनाक सोफा पड़ी हुई, टीवी चीजें पड़ी है। और ये प्रेसिडेंट मेंशन तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये अपन का एक और ऑफिस, यहाँ पे अपन यार गाने वाने बना सकते हैं। मुझे नहीं पता प्रेसिडेंट गाने क्यों बनाएगा, पर कोई बात नहीं बना लेंगे। और देखते हैं इस घर में हमें क्या क्या मिलने वाला है। और एक और नीचे फ्लोर, अभी कितने फ्लोर है इसमें। और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा खुद का प्राइवेट जिम, यहाँ बैठ के जिम करो, सामने पूरे नदी के खतरनाक व्यू आते हैं। ये हमारा मस्सा बेडरूम, ये हमारा एक ही बेडरूम है पूरे घर के अंदर और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे कांच लगा कर नीचे पानी भी देख सकते हैं। तो कुल मिला के हमारा प्रेसिडेंट हाउस बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगा। आपको कैसा लगा फटाफट से कमेंट करके बता दो। बाहर अपना पार्टी करने का एरिया, यहाँ पे बैठ के पार्टी कर सकते हैं, गार्डन में बैठ के फुल मजे कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पे हम अपनी बोट्स रख सकते हैं और बोट्स में जाके पानी में घूम सकते हैं। और वहाँ पे हमारा खुद का प्लेन भी खड़ा है वहाँ पे, चलो फटाफट से वहाँ पे चलते हैं। तो हम अपना हेलीकॉप्टर भी खड़ा कर सकते हैं और यहाँ पे हमारा सी प्लेन मतलब यहाँ पे खड़ा है, इस पे अभी हम घूमने जाने वाले हैं। चलो फटाफट से इस प्लेन को लेके चलते हैं हवा में। तो गाइस प्रेसिडेंट तो मैं बन चुका हूँ, पर मुझे पता नहीं कि प्रेसिडेंट बनने के बाद करना क्या होता है, क्या क्या चीजें करूँ, समझ नहीं आ रहा। आप फटाफट से कमेंट करके बता देना, उस हिसाब से हम वो सारी की सारी चीजें करने वाले हैं। अभी हमारे पास घर है, गाड़ी है, बहुत सारा पैसा है, प्लेन, हेलीकॉप्टर सबका सब है। तो और क्या क्या चीजें करें फटाफट से कमेंट करके बता देना। तो गाइस आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको आज वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं की वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस इंस्टा और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वापस जाके जॉइन फॉलो कर लेना। और गाइस हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।